त्योहार आने वाले हैं और त्योहार ही क्यों, कोई भी सीजन हो या चाहे कोई भी मौका हो, नान खटाई एक ऐसी चीज है जिसे खाने के लिए हम सब कभी भी तैयार हो जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे जबरदस्त, खस्तेदार, मजेदार और मुंह में घुल जाने जैसी नान खटाई। मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स जिससे आपको ओवन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल घर की कढ़ाई में एकदम खस्ता, मुंह में घुल जाने जैसी और बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी नान खटाई आसानी से बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेकरी स्टाइल सुपर टेस्टी और एकदम खस्ता नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बड़ा बोल। यहाँ पर आती है पहली ट्रिक। हम यहाँ लेंगे आधा कप घी। यहाँ पर हमें घी ऐसा लेना है, यानी जैसे नॉर्मली घी रहता है ना रूम टेम्परेचर पर, बिल्कुल वैसा, ना बहुत ज्यादा जमा हुआ ना बिल्कुल पिघला हुआ। अब यहाँ पर जो आप मेजरमेंट करें ना, उसके लिए अगर ऐसे कप ना भी हो तो भी कोई परेशानी नहीं, आप घर की कोई भी कटोरी या चाय वाला कप सेट कर लीजिए, पूरा मेजरमेंट आप उसी अनुसार कर लीजिए नान खटाई का। आपको मेरी गारंटी है परफेक्ट रेशो मिलेगा, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। ऐसा घी लेने से जो नान खटाई है वो अंदर तक खस्ता बनती है। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप चीनी का पाउडर। चीनी लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। 3/4 कप का अर्थ हो गया 1 कप से थोड़ी सी कम। यहाँ पर आप चीनी का पाउडर अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी सी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब एक विस्कर लीजिए और उससे बिल्कुल बढ़िया से हमें चीनी के पाउडर को और घी को एकदम बढ़िया फेंट लेना है। यहाँ पर हमें चीनी और घी को तब तक फेंटना है जब तक कि जो इसका कलर अभी आप पीला सा देख रहे हैं ना, एकदम लाइट सा ना हो जाए और जो टेक्सचर है वो एकदम क्रीमी फ्लफी ना हो जाए। बहुत ही जरूरी पॉइंट है बढ़िया नान खटाई बनाने के लिए। जैसे जैसे आप फेंटते जाएंगे इसका रंग हल्का होता जाएगा और ये फ्लफी सा हो जाएगा। चाहे तो फोक को फोक से फेंट लीजिए या इलेक्ट्रिक ब्लेंडर हो तो ब्लेंडर से भी फेंट सकते हैं। जितना बढ़िया आप इसको फेंट लेंगे, जितना लाइट इसे आप कर लेंगे, उतनी ही खस्ता आपकी नान खटाई बनेगी। लगभग 5 मिनट बढ़िया से फेंट लीजिए और ये देखिए एकदम लाइट कलर का और एकदम फ्लफी हमारा मिक्स हो गया है। ये देखिए बिल्कुल हल्का, पहले से अगर आप कलर कंपेयर करें तो देख सकते हैं इसका पहले से कलर हल्का हो गया है। इस स्टेज तक आपको बढ़िया से घी और चीनी को फेंटना है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक करते हैं छोटा सा काम, क्योंकि आज इस नान खटाई को हम बनाने वाले हैं बिना ओवन के, बहुत ही इजी कढ़ाई में। इसके लिए आप रखिए गैस पर कोई भी भारी तले की कढ़ाई, फ्लेम को कर दीजिए लो मीडियम और इसमें बीच में लगा दीजिए एक इस तरह के स्टैंड। ऐसा स्टैंड ना भी हो कोई परेशानी नहीं, कोई कटोरी लीजिए उसे उल्टा करके रख दीजिए और 8 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गर्म होने देंगे। फिर ये हमारी देसी ओवन जैसा काम करेगी, एकदम बढ़िया आपकी नान खटाई तैयार हो जाएंगी बिना ओवन के। अब आप लीजिए एक छलनी, ये मेरी नेक्स्ट ट्रिक। छलनी लगाकर आप डालिए 1 कप मैदा। जिस मेजरमेंट से आपने घी लिया, जिस कटोरी से, उसी से आप मैदा लीजिए। तो मैं डाल रही हूँ पूरी 1 कप मैदा। साथ ही नान खटाई के टेक्सचर को, कलर को बढ़िया आने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन। तो इस चम्मच से मैं डाल रही हूँ पूरा 2 बड़े चम्मच और नान खटाई को बढ़िया क्रंची बनाने के लिए मैं इसमें यूज कर रही हूँ सूजी। तो 2 बड़े चम्मच इसी चम्मच से हम डाल देंगे सूजी, नॉर्मल सूजी या बारीक सूजी जो हो। नान खटाई के टेक्सचर को बिल्कुल बाजार जैसा फ्लफी और बढ़िया बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास यहाँ बेकिंग पाउडर की सुविधा ना हो तो फिर आप क्या कीजिए, 1/4 छोटी चम्मच डालिए खाना सोडा, यानी मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। बेस्ट आपको बेकिंग पाउडर से ही मिलेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर बेकिंग पाउडर की सुविधा हो तो आप पहले बेकिंग पाउडर डालकर ही बनाएं, तभी उससे बढ़िया बनेगी। सारी चीजों को छलनी से हम छान लेंगे। छानना बहुत जरूरी है, इससे क्या होगा ये जो मिक्स है ना पूरा हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, इसमें लम्स नहीं रहेंगे और सभी चीजें आपस में बढ़िया से मिलजुल जाएंगी। अब ये जो मैंने तीनों चीज ली है ना, इससे आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा नान खटाई का। वैसे चाहे तो पूरी तरह मैदा से बनाई जा सकती है, बेसन की जगह आप आटा भी यूज कर सकते हैं। सूजी स्किप करना चाहते हैं तो सूजी मत डालिए, लेकिन सूजी डालने से क्रिस्प और क्रंच बढ़िया आता है। नान खटाई के फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 पिंच नमक। अब ऐसा मत सोचिएगा कि इससे नान खटाई कुछ नमकीन हो जाएंगी, वो मीठेपन को बैलेंस करता है, फ्लेवर को एनहेंस करता है नमक। 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। अब बिल्कुल हल्के हाथ से जेंटली सारी चीजों को हमें मिक्स करना है। यहाँ बिल्कुल भी आटे की तरह गूथेंगे नहीं, सिर्फ बांधने भर तक सब चीजें हम मिक्स कर लेंगे। एक सेमी सॉफ्ट इसका डो तैयार करेंगे और ये देखिए, अब देखिए जो रेशो यानी जो माप मैंने लिया, आप देख रहे हैं मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें ना ऐड करना पड़ा, ना कुछ एक दिक्कत हुई बांधने में, परफेक्ट सेमी सॉफ्ट आटा हमारा लग करके तैयार हो गया। मैं एक बना के भी देख लेती हूँ सब कुछ सही है कि नहीं। बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट। ये देखिए यहाँ पर मैंने ली है एक स्टील की प्लेट तरह से, उस पर ये जो खाने वाली हमारा फॉइल पेपर होता है ना वो मैंने लगा दिया है। इससे क्या होगा कि प्लेट जो है नीचे से काली नहीं पड़ेगी कढ़ाई में, साथ की साथ जो हमारी नान खटाई है वो प्लेट पर चिपकेंगी नहीं।
थोड़ा सा घी या ऑयल लगा करके फॉइल पेपर को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर ऐसी फॉइल पेपर ना हो तो बटर पेपर यूज कर लीजिए। बटर पेपर घर में कैसे बनाते हैं, अभी हाल फिलहाल में मैंने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो शेयर किया था ना, उसमें मैंने बताया है। वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां देखकर बटर पेपर आसानी से घर में बना सकते हैं। अब मिक्स में से आप लीजिए ये छोटी छोटी सी बॉल यानी छोटा सा पोर्शन, और देखिए इस तरह से हाथ में रखकर गोल कर लीजिए। मैं मीडियम साइज की नान खटाई बना रही हूँ, जैसे बाजार में मिलती है ना बेकरी पर, जगह तो ठेले पर भी मिलती है, वो अंगीठी या वो जो कोयला होता है ना उसको जलाकर उस पर सेल करते हैं, तो एकदम खस्ता बनती है ना वैसी बनेंगी आपकी भी। बस ऐसे गोल करेंगे और गोल पेड़े को हल्का सा ऊपर से प्रेस कीजिए, बहुत हल्का सा, बिल्कुल इस तरह। और जो भी अपने घी लगाकर प्लेट को रखा ना, उस पर हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर नान खटाई तैयार करके रखते जाएंगे। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि बराबर बराबर कैसे बनाए, तो ऐसे ना कोई एक चम्मच ले लीजिए, इसी चम्मच से आप मिक्स को उठाइए और सारी नान खटाई बना लीजिए, सभी नान खटाई आपकी सेम साइज की बन जाएंगी। अगर आपको लगे ड्राई हो रहा है, बिखर रहा है, तो थोड़ा सा घी और ऐड करके उसको बैलेंस कर लीजिए। पानी या दूध दोनों चीज बिल्कुल मत डालिएगा, उससे क्या होता है कि जो नान खटाई है ना वो ठंडी होने के बाद कड़क सी हो जाती है अंदर। और थोड़ी दूरी पर रखिएगा क्योंकि ये फूलती है ना तो ये फैलेंगी, इसलिए आप डिस्टेंस पर रखिए। और ये देखिए मैंने इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर नान खटाई को रख दिया है, और इसको थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर देंगे पिस्ता और बादाम से। आप अपने तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी दिख रही है हमारी नान खटाई, और मैंने इनको थोड़ा छोटा ही रखा है क्योंकि अभी ये फूलेंगी ना तो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, कुकीज जैसी तैयार हो जाएंगी। चलिए तो कढ़ाई को भी चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, बहुत तेज हीट आ रही है, बस धीरे से प्लेट को रिंग के ऊपर रख देंगे इस तरह संभल कर। फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो, यानी लोएस्ट फ्लेम पर हमें इसको बेक करना है, और वापस से लिड को बढ़िया से ढक दीजिए, कहीं से भी स्टीम निकलनी नहीं चाहिए, और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके बर्नर की फ्लेम पर, कढ़ाई पर कितनी भारी ली है, जो लिड लगाया है कहीं से स्टीम निकल तो नहीं रही है, इन सब चीजों पर। तो आप बीच में एक बार 10-12 मिनट बाद जरूर चेक कर लें। अब ये तो हमने रख दी बेक होने के लिए कढ़ाई में, साथ ही मैं आपको बताती हूँ इसको आप अवन में कैसे बना सकते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं ना कि अवन है घर में तो हम अवन में ही बना ले। अवन में टाइम थोड़ा कम लगता है, कढ़ाई में थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि भाई वो देसी अवन है। तो चलिए मैं अवन में आपको एकदम परफेक्ट तरीके से बता देती हूँ कि आपको इसको कैसे बनाना है। तो ये जो बेकिंग ट्रे में होती है ना, इस पर आप लगा लीजिए इस तरह से बटर पेपर। बटर पेपर ना हो तो इस बेकिंग ट्रे पर हल्का सा घी डालकर इसी को ग्रीस कर लीजिए, तो उसके ऊपर भी आप नान खटाई रखकर बना सकते हैं। इस तरह से हम नान खटाई थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखते जाएंगे, हल्का सा ऊपर से प्रेस कर देंगे यानी हल्का सा बीच में से, और इस पर लगा देंगे इस तरह से पिस्ता और बादाम, जिससे कि ये बाद में बनने के बाद निकले नहीं। तो लीजिए हमारी अवन के लिए नान खटाई है बिल्कुल तैयार। तो कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर हम इसे 10 मिनट के लिए कर लेंगे प्री हीट, और ट्रे को अब हम अवन में लगा देंगे। 170 डिग्री पर हम लगभग 15 मिनट के लिए नान खटाई को बेक करेंगे। यहाँ पर हमें नान खटाई को बहुत ज्यादा ब्राउन तो करना नहीं है, क्योंकि ऊपर से नान खटाई हल्की ही रंग की होती है। 170 डिग्री पर जब हम बेक करेंगे तो एकदम परफेक्ट रहेंगी। सभी के ओटीजी की पावर सेटिंग्स डिफरेंट होती है, तो आप अपने ओटीजी के हिसाब से उसकी पावर सेटिंग सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी तो बनी रही है, अगर आपको मेरी मेहनत और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही व्हाट्सएप पर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। 12-13 मिनट हो गए हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली कितनी मस्त दिख रही हैं। बस थोड़ा सा और इसको बेक करेंगे, लगभग 15-18 मिनट के करीब हो गए हैं। तो चलिए नान खटाई को चेक कर लेते हैं। तो पहले कढ़ाई वाली चेक करते हैं, बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी एकदम फूली फूली फ्लफी हल्की हल्की हमारी नान खटाई तैयार हुई है इतनी आसानी से कढ़ाई में। और जैसे कि देखिए आप देख सकते हैं ना कि ऊपर से नान खटाई बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही हमारी नान खटाई तैयार हुई है। अभी जब आप इसे गर्म में छुएंगे तो आपको लगेगा सॉफ्ट है, लेकिन ये ठंडी होने पर वापस से क्रिस्प हो जाती है। तो आप इसको बिल्कुल भी ओवर बेक ना करें ये सोचकर कि अभी बनी नहीं है, परफेक्ट है ये बिल्कुल। ये देखिए मैं पास करके आपको दिखाती हूँ, मन कर रहा है ना एकदम गर्मा गर्म निकालो और खा लो, लेकिन अभी काफी गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए फटाफट से अवन वाली भी चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम बेकरी स्टाइल गोल्डन कलर भी आ गया है। ये देखिए हमारी अवन वाली नान खटाई कितनी बढ़िया बनी है, और आप ये देख सकते हैं जो क्रैक्स दिख रहे हैं अभी काफी गर्म है, ये देखिए परफेक्ट एकदम बेकरी स्टाइल इसमें जो क्रैक्स हैं वो आए, जो सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं सब, पूरी फैमिली मेरा वेट कर रही है कि ये नान खटाई गर्मा गर्म उन्हें कब मिलेंगी। और इसमें ना ऊपर क्रैक्स भी आते हैं इस तरह, जैसे आप बेकरी से नान खटाई लेते हैं ना बिल्कुल उस तरह से।
एकदम प्यारा गोल्डन कलर आया है। ये देखिए इसका अंदर का जबरदस्त जाली, ये जो आप टेक्सचर अंदर देख रहे हैं एकदम जालीदार, ये देख रहे हैं ना आप, ये इस बात का इंडिकेशन है जो हमारी नान खटाई है वो अंदर से एकदम खस्ता बनी है, जो मुंह में जाते ही एकदम घुल जाए। और ये देखिए हमारा कढ़ाई वाला भी कितना मस्त बना है, एकदम परफेक्ट। तो लीजिए हमारी नान खटाई हो गई है बिल्कुल तैयार, कढ़ाई में भी और अवन में भी। अब जैसे चाहे वैसे बनाए, यकीन मानिए बेस्ट नान खटाई बनेगी आपकी अब तक की, जिस तरीके से जो टिप्स और रेशो मैंने आपको बताया है। तो देखा आपने एकदम खस्ता बनी है ना हमारी नान खटाई, जैसे एक बाइट तोड़ेंगे ना एकदम मुंह में घुल जाएगा, बहुत बढ़िया बनती है। सच मानिए घर में है आपके पास सामान, जाइए बनाइए, और अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं इस बार नान खटाई किसी भी त्योहार पर या ऐसे ही, और गर्मा गर्म खाइएगा जरूर। साथ के साथ अगर आपको मेरी मेहनत और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।